हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है। एक बहुत ही पावरफुल मेथड बताने वाला हूँ ऑनलाइन अर्निंग करने का। कैसे अर्निंग होगी, कैसे आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट में, और किस स्टेप्स को लेने से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही यूनिक वेबसाइट लेके आया हूँ जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। रियली बहुत पावरफुल मेथड होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले बता दूं, जिस भी स्टूडेंट ने डिजिटल स्वयं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो करें, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से आप बहुत सारी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं अलग अलग जगह से। तो आज की वीडियो एक स्पेशल होने वाली है ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है हब पेजेस। जैसे ही आप हब पेजेस सर्च करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे एक वेबसाइट मिलेगी discover.hubpages.com, इसके अंदर आना है। तो गाइज मैं हब पेजेस पे आ गया हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हब पेजेस पे अर्निंग कैसे होती है और हमें क्या स्टेप्स लेने हैं अर्निंग के लिए, ये हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अर्निंग के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आर्टिकल पोस्ट करने होते हैं। ये यहाँ पर भी आप जैसे हम ब्लॉगिंग में और blogger.com में आर्टिकल पोस्ट करते हैं, बट वहां पे हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ता है। ये एक बात है, जब हम बात करते हैं ब्लॉगर की तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेंगे जब हमारी अर्निंग होती है ब्लॉगर पे, बट जब हम बात करते हैं हब पेजेस की तो हब पेजेस में ऑटोमेटिकली आपके जो आर्टिकल्स होते हैं, जो आप यहाँ पर आर्टिकल लिखेंगे, अभी मैं लिखने का प्रोसीजर बताऊंगा, तो जो आपके आर्टिकल होंगे उन पर ऑटोमेटिक एड आएगी, क्योंकि हब पेजेस जो है ये गूगल एडसेंस से अप्रूव है। तो जितनी अर्निंग इनकी गूगल एडसेंस से होगी आपके आर्टिकल्स के द्वारा, उस अर्निंग का कुछ परसेंट हब पेज रखेंगे और कुछ परसेंट आप रखेंगे, तो बहुत अच्छा है। विदाउट आपको कोई एडसेंस अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कुछ की भी जरूरत नहीं है, सिंपली आपको आर्टिकल लिखना है, आपके आर्टिकल पर एड्स आएंगी, उन एड्स से जितनी भी अर्निंग इनकी होगी उसमें से कुछ परसेंटेज आपको दिया जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है हब पेजेस का। हब पेजेस का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इनकी डोमेन अथॉरिटी आई है, तो आपकी जो पोस्ट है ये ऑटोमेटिकली सबसे पहले तो रैंक करती है, और दूसरा यहाँ पे एक एडवांटेज है कि यहाँ पर हब पेजेस सभी के आर्टिकल को प्रमोट करता है। क्यों प्रमोट करता है? क्योंकि देखिए जितना ट्रैफिक इनके आर्टिकल्स पर आएगा उतनी इनकी अर्निंग होगी गूगल एडसेंस से, और उस अर्निंग का कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा, तो इसीलिए ये आपके आर्टिकल्स को भी प्रमोट करता है। इसीलिए ये मुझे बेस्ट लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी आईडी बना लेनी है। आईडी बनाने के लिए मैं बताता हूँ प्रोसीजर कैसे आपको आईडी बनानी है। तो आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करना है। देखिए मेरी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है, बट मैं आपको बताऊंगा कैसे आईडी बनाई जाती है, मैं आपको पूरे स्टेप्स आपको समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे ज्वाइन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे, या तो अपने फेसबुक से लाइक डायरेक्टली साइन अप ले सकते हैं, अदरवाइज देखिए दूसरा सिंपल मेथड है, सिंपली अपने आप एक निकनेम रखें। क्यों रखें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि निकनेम से आपकी जो यूआरएल होगी, आपके जो अकाउंट होगा उसकी यूआरएल बन जाएगी। जैसे मैं अपना निकनेम रख लेता हूँ, शिवम रख दिया मैंने, तो ये अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यहाँ रख दिया शिवम लाइक 888, ये मैंने रख दिया, तो देखते हैं ये अवेलेबल है यानी ये, ठीक है ये वाला अवेलेबल है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, एक पासवर्ड देना है, एक कन्फर्म पासवर्ड देना है, रिटाइप पासवर्ड, और फिर यहाँ पे आपको देखिए ये टर्म्स एंड कंडीशन एक बार पढ़ लेनी है इनकी, और फिर इनको आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट कर देना है, और इसको साइन अप कर लेना है। बस ये पूरी प्रोसेस है यहाँ पे आईडी बनाने की। अब देखिए मैंने आईडी बनाई हुई है, तो चलते हम सीधे अकाउंट पर, बताते हैं आपको करना क्या है। तो मैं अपने अकाउंट को लॉग इन यहाँ से डायरेक्टली कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने हब पेजेस के अकाउंट पर लॉग इन कर लिया। सबसे पहले तो आपको ये तीन स्टेप्स पूरे करने हैं। अपलोड अप प्रोफाइल पिक्चर, तो आपको एक प्रोफाइल पिक्चर अपनी अपलोड कर देना है, अपने बारे में कुछ बता देना है कि आप राइटर हैं। आप देखो यहाँ पर हम राइटिंग का काम करने वाले हैं, हम आर्टिकल लिखने वाले हैं, तो राइटर आपको जो भी आप राइटिंग जिस टाइप की राइटिंग करते हैं, जिस भी निश पे करते हैं, निश पे काम करना है, यहाँ पे भी आपको एक पर्टिकुलर निश चूज कर लेनी है, उस पर ही ब्लॉग डालने हैं। फिर निश पे आपको यहाँ पे काम करना, पब्लिश हो फर्स्ट आर्टिकल, जितने आर्टिकल पब्लिश करेंगे उतनी आपकी अर्निंग होगी। अर्निंग कैसे होगी, कहाँ होगी, वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी सिंपली इतना समझ लें, ये तीन स्टेप आप कर लें, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे इनके आर्टिकल लिखने का प्रोसेस क्या है। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना स्टार्ट अ न्यू आर्टिकल। बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा तरीका, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना यूनिक है कि लाइक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, गूगल एडसेंस इनका अप्रूव है, इनकी जितनी अर्निंग होगी आपको कमीशन मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल देना है। टाइटल मतलब जैसे आपका टॉपिक है, आप डाल रहे हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो सिंपली यहाँ पे टाइटल हो गया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक मैंने दे दिया, एग्जांपल के लिए मैं एक टाइटल दे देता हूँ, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। मैंने एक टाइटल मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। आप देख रहे हैं साथ साथ में यूआरएल भी मेरी बनती जा रही है,
डिजिटल मार्केटिंग तो आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स फैमिली और अपने ग्रुप में इन सबको लाइक यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो इससे एक बेनिफिट ये होगा कि आपके अकाउंट पे ऐड आएंगे तो वहां से भी आपकी अर्निंग होगी, तो आप कहीं भी इसको शेयर करेंगे तो भी आपको पैसे मिलेगा क्योंकि एड्स आपके अकाउंट पे आनी है क्योंकि ये अप्रूव है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक अपना टाइटल लिख दिया। टाइटल के बाद आपको अपना जो टॉपिक है वो चूज करना है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चूज सही से करना। देखिए मैं यहाँ पे एक टॉपिक चूज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ से आपका ट्रैफिक आएगा। तो ये हमारा किससे रिलेटेड है, मान के चल रहे हैं एजुकेशन, और अभी ये तो मेरा नहीं है, एजुकेशन साइंस तो नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो हम यहाँ पे फिर से देखते हैं कुछ ना कुछ टॉपिक और कोई चूज करते हैं, या फिर हम एग्जांपल के लिए भी कोई एक टॉपिक चूज कर लेते हैं। तो बिजनेस है यहाँ पे, हाँ ठीक है, बिजनेस मैंने चूज कर लिया, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो ऑप्शनल है, आप फिर से एक और लाइक आप सब कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं बिजनेस में एडवर्टाइजिंग मैंने चूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे बेसिक या ट्यूटोरियल के फॉर्म में डालने वाले हैं, तो मैं अभी एग्जाम्पल के लिए बेसिक ले लेता हूँ, आप चाहे ट्यूटोरियल भी आप ले सकते हैं। फिर कुछ नहीं करना है आपको, इसको यहाँ से आई एम का रोबोट कर देना है। अभी मैं बता रहा हूँ किस टाइप से स्टेप लेना है आपको, इसको कंटिन्यू करना है। ये था फर्स्ट स्टेप। सो मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ दिया होगा, सो मैं देखता हूँ ये टाइटल, ये ऑलरेडी किसी की परमान लिंक बनी हुई है इस टाइटल पे, तो इन हिंदी व्हाट इज ऑनलाइन मार्केटिंग कर देते हैं हम, क्योंकि ऑलरेडी जब किसी की परमान लिंक होगी तो वो कैसे होगा फिर। ठीक है, ये मैंने कर दिया है, ऑनलाइन मार्केटिंग पे ले लिया इसने और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको कंटिन्यू। तो मैं सेकंड स्टेप पे आ गया हूँ, बहुत ही इजी प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी आपने चूज की है ऑलरेडी आ चुकी है, आपका टाइटल ऑलरेडी आ चुका है। अब देखिए, अब नेक्स्ट है समरी। समरी मींस लिखना है आपका, देखिए आप किसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, आप ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, तो बस जस्ट 140 और 160 कैरेक्टर्स का आप यहाँ पे एक समरी लिख दीजिए कि आपका जो टाइटल है, यानी डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन आप जानते होंगे, मैंने वेबसाइट में बताया था मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। सिंपली आपको अपने के बारे में लाइक 140 से 170 कैरेक्टर्स के पीछे कुछ लिख देना है। ऑनलाइन मार्केटिंग, जैसे मेरा टॉपिक है ऑनलाइन मार्केटिंग, तो यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में 140 से 170 वर्ड्स तक आप कुछ लिख दीजिए बस। फिर उसके बाद आता है बायो। समरी आप जानती हैं, ये समरी होता है, इसका मतलब सिंपली मेटा डिस्क्रिप्शन में बोल रहा हूं जिसको। फिर उसके बाद होता है बायो। बायो में देखिए, अगर आप अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे आपने लिखा व्हाट इज ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग में आप कैसे जानते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग को, आप अपने बारे में कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन है, नहीं करना है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नन कर दो, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको नन कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने इसको नन कर दिया। फिर थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब देखिए आपके यहां पर कोई इमेजेस होंगी, अगर आपको लगता है कि आपके पास इमेजेस हैं आपके आर्टिकल से रिलेटेड तो इमेजेस दें। देखिए इमेजेस को दें यहाँ पे, आप उनका लाइक यहाँ पे टाइटल डाल दें, इमेजेस का सबटाइटल जो है उसको यहाँ से अपलोड कर दें, चूज फोटो कर दें, इमेजेस अपलोड करें, आर्टिकल जो होगा बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगा। तो कोशिश करें इमेज आपके आर्टिकल की भी साथ साथ में अपलोड करें। इमेजेस के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि सारा काम हमें यहीं पर करना है, आर्टिकल जो यहाँ पे आपको टेस्ट जो शो हो रहा है यहीं पर हमें सारा काम करना है, आर्टिकल यहीं पर लिखना है, बस यहाँ पर आपको आना है, अपने जो टाइटल है उसको देखिए कैप्सूल सबटाइटल के नेम से है, तो यहाँ पे आपको एक सबटाइटल दे देना है। जैसे आप ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में लाइक लिखने वाले हैं तो ऑनलाइन मार्केटिंग आपने यहाँ पे सबटाइटल दे दिया और बस। अब आपको अपना आर्टिकल यहाँ पर लिखना है, जितना बड़ा लिखना चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपना आर्टिकल। मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आपको एक डेमो दे दे रहा हूँ कि देखिए इस टाइप से मैं ये आर्टिकल लिख रहा हूँ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी वेबसाइट भी है तो आप यहाँ से अपनी वेबसाइट के लिए बैक लिंक्स भी बना सकते हैं। रियली आपको डू फॉलो बैक लिंक भी आप यहाँ से बना सकते हैं। कैसे बनाना है आपको, सिंपली जिस कीवर्ड पर बैक लिंक बनाना है उस पर क्लिक करना है, उसको अपनी वेबसाइट से लिंक कर देना, तो यहाँ पे आपकी बैक लिंक भी बन जाएगी, ट्रैफिक भी जाएगा अपनी वेबसाइट पे और आपकी अर्निंग भी होगी। तो ये कितना अच्छा तरीका है। ठीक है, बैक लिंक भी बन जाएगी, दोनों काम आपके साथ साथ होंगे। अदरवाइज बैक लिंक बनाना है, सिंपली आपको सिंपल यहाँ पे अपना आर्टिकल लिखते चलना है। जितना देखिए जितना बड़ा आर्टिकल लिखेंगे उतनी रीच ज्यादा होगी, आपको पता है ब्लॉगिंग में ऑफ पेज एसईओ की जरूरत नहीं होती, ऑन पेज एसईओ की ही जरूरत होती है। तो जितना बड़ा आर्टिकल लिखेंगे उतनी रीच ज्यादा होगी, जितने कीवर्ड डालेंगे उतनी रीच ज्यादा होगी। तो एक बार एसईओ भी सीख लेना, एसईओ की हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है तो उसको फॉलो कर लेना कि कैसे अपनी वेबसाइट को अपने ब्लॉग को रैंक करा सकते हैं गूगल पे। और एक बार ये रैंक हो गया तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, और रैंक तो ये इजीली हो जाता है अगर हम थोड़ी बहुत इसमें कीवर्ड देते हैं। ठीक है, या फिर हमारी निश यूनिक होती है। सो कुछ नहीं करना, फिर इसको यहां से आपको सेव कर देना। अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, अदरवाइज इस टाइप का कंटेंट कुछ है नहीं, मैंने अभी आपको समझाने के लिए कुछ भी लिखा हुआ है। फिर जितने भी कमेंट्स आएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉपीराइट में ये आप जरूर लगा देना क्योंकि कॉपीराइट इशू है जिससे आपका कोई कंटेंट कॉपी ना कर सके। आप इतनी मेहनत करेंगे कंटेंट लिखेंगे तो आप यहाँ पे लगा देना जिससे आपका कोई कंटेंट कॉपी नहीं कर सकता। कोई कॉपी करता है तो फिर उसको कॉपीराइट इशू आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्क्लेमर आप देना चाहें तो डिस्क्लेमर दे सकते हैं, जिससे भी रिलेटेड है आप डिस्क्लेमर दे सकते हैं, अदरवाइज नो डिस्क्लेमर भी आप कर सकते हैं। फिर यहां से आपको इसको क्या कर देना, पब्लिश कर बस।
पब्लिश करने के बाद आपको देखिए जितने लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं उस हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। अब अर्निंग कहाँ से देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है अर्निंग। तो मैं बता दूं अर्निंग के लिए भी आप एक सेक्शन है, आप यहाँ पर आएंगे, बहुत सारे सेक्शन है आप यहाँ पे, आप अपने अकाउंट की जितने भी लाइक देख सकते हैं, अकाउंट में क्या स्टेटस चल रहा है सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, अर्निंग प्रोफाइल देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में आपको पता चलता रहेगा, कुछ कुछ न्यू आएगा तो आपको पता चलता रहेगा, कमेंट्स वगैरह ये सब आपको यहाँ पे पता चलते रहेंगे। चलते हैं अर्निंग में। अब अर्निंग के लिए आपको सिंपली यहाँ पे अर्निंग पे आना है और आप पेपाल के थ्रू पेपाल अकाउंट बना लेना। पेटीएम का लाइक इंडिया में, अब पूरे वर्ल्ड में लाइक ट्रांजेक्शन करने के लिए पेपाल होता है, तो पेपाल बना लेना। फिर आप यहाँ पे अपनी अर्निंग देख सकते हैं कि संडे की कितनी अर्निंग हुई, मंडे की कितनी अर्निंग हुई। ये मेरा अकाउंट डेमो अकाउंट है, मैंने आपको इसको समझाने के पर्पज से बनाया अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे कोई अर्निंग नहीं सो रही है। और एक मेरा फ्रेंड है जिसने मुझे ये रेफर किया है कि आप अपनी ऑडियंस को बताएं कि ये तरीका बहुत ही बेस्ट है, तो मैं आपको रेफर कर रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही पावरफुल वीडियो है, अगर आप इस वीडियो में देखते हैं आप अपना काम स्टार्ट करते हैं तो आप आज से ही यहाँ पर अपनी अर्निंग देख सकते हैं। टोटल अर्निंग आपकी यहाँ पे शो होगी और आप जैसे ही $50 होता है तो आप अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू पेपाल के। बैलेंस हिस्ट्री सब कुछ आप देख सकते हैं। तो ये मेथड बहुत ही पावरफुल मेथड है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप कमेंट जरूर करें। हम नेक्स्ट वीडियो भी ऑनलाइन अर्निंग पे भी लाएंगे, अभी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चल रहा है तो हम उसको भी कंटिन्यू आगे करते रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें और अपना एक अच्छा रिव्यू मुझे दें। थैंक यू गाइस।